एक और बढ़िया और शानदार व्लॉग लेकर मैं आज आ गया हूँ फिर से। और अब व्लॉग आते रहा करेंगे, वीडियोस भी आती रहा करेंगी। काफ़ी दिन से गैप था, काफ़ी दिन का गैप हो गया था। और फिलहाल आज गौरी का बर्थडे है। आपको पता होगा मेरे मामा की लड़की, जिनको नहीं पता वो मैं बता दूँ, मेरे मामा जी की लड़की है गौरी। तो आज उसका बर्थडे है, 15 जुलाई आज। और उसके बर्थडे मतलब 1 घंटे पहले डिसाइड हुआ है, वृंदावन जा रहे हैं हम सब लोग, मैं भी जा रहा हूँ और मामा मामी मामा की फैम और मामा गौरी सब लोग जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ वृंदावन। वहीं पर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और अभी निकल रहे हैं, बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे कार से। अभी फ़िलहाल 12 बज रहे हैं और कल भी वहाँ रुकेंगे, कल भी घूमेंगे, फिर परसों यहाँ पर आएंगे, वहाँ से शायद आगरा भी जाएंगे। तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अभी फ़िलहाल मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ कपड़े रख लिए हैं, 2 टी शर्ट ले लिए हैं, लोअर और एक दो जीन्स और कुर्ता पाजामा ले लिया अपना। और हाँ, मैंने अपनी ये दवाई भी ले ली है जुकाम की, क्योंकि अगर मुझे जुकाम हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बन पाएगा। ट्राईपॉड भी रख लेता हूँ मैं, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के बना लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रख लेता हूँ। और क्या रखा है मैंने, और एक और चीज़ रखी, हाँ पेन ड्राइव भी रखी है मैंने, पेन ड्राइव भी रख ली है मैंने, बिकॉज अगर मैं वहाँ पर एडिट करके ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, अगर मोबाइल की स्पेस फुल हो गई तो मैं पेन ड्राइव में डाटा ट्रांसफ़र कर दूँगा। अभी फ़िलहाल घर पर चलते हैं मामा के, और गौरी से आपको मिलवाते हैं, उससे मैं मिला नहीं हूँ, स्कूल गई थी वो, अभी शायद आई नहीं है, तो वहीं पर चलते हैं और फिर आपको उससे मिलवाते हैं। गाइस ये है गौरी जी जो मैं बता रहा था, बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे गौरी। ये किसका है, तेरा है ना? हाँ तेरा है, रुक जा रुक जा। तो आज गौरी मैडम का बर्थडे है, आज सुबह से स्कूल गई थी। स्कूल में कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा। अच्छा रहा? क्या अपने फ्रेंड्स लोगों को क्या दिया तुमने आज? चॉकलेट? चॉकलेट अच्छा, ये तुम्हारा गिफ्ट है छोटा सा। देखो ना, नहीं मैं नहीं दे रहा, कौन मैं नहीं दे रहा। देखो क्या है इसमें पता है? क्या क्या है लो? इसमें ना, इसमें लंच बॉक्स नहीं है, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स नहीं है, कुछ और है। तो अभी देखते हैं, अगर गौरा खोलेगा तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा वो? हाँ तो अभी फिलहाल वृंदावन जाएगी गौरा मैडम, क्या मिलेगा? टॉफी। अच्छा ये क्या है? एक निकाल लो चॉकलेट, अमूल की है। बिंदास, बिंदास ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, बिंदास देखो, अमूल की क्योंकि है भाई बिंदास। चॉकलेट है। तो ये गौरा मुझे रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। तो इस कार से जा रहे हैं किया, नंदू गौरी बैठ चुके हैं। गौरी तैयार? तो पुष्कर ये कितनी देर में पहुंच जाएंगे अपन? अभी चार चार 3:30 हो गए, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। 8 बजे तक? और मंदिर कितने बजे बंद हो जाते हैं? नहीं मंदिर 8:30 बजे आरती होगी बिहारी जी की। हाँ बिहारी जी की आरती होगी, देखिए आरती में जैसे एंट्री मिल जाती है ठीक है, तो 9:30 बजे तक मंदिर कट लगती है। अच्छा मतलब पहुंच जाएंगे 8 बजे तक। हाँ अब ये निकलने के ऊपर है, अगर निकलते हैं जल्दी। ठीक है, तो अभी फिलहाल बस आने वाले हैं सब लोग, फिर निकलते हैं, क्योंकि 3:30 बज गए, निकलते निकलते वो 4 बज ही जाएंगे, फिर बस निकलते हैं। और आपको ब्लॉग पूरा देखना, आगे का सीन दिखाते हैं जैसा भी होता है। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बाके बिहारी। गाइज अभी हम रुके हैं एक हाईवे पर, यहाँ पर देवपुरी बाबा जी का मंदिर है, तो यहाँ पर जितने भी गाड़ी जाती हैं ज़्यादातर सभी रुकती है, प्रसाद चढ़ाती हैं। तो मामा प्रसाद चढ़ाने गए हैं, आपको बाहर से दिखा देता हूँ थोड़ा। हेलो
ये मंदिर है देवपुरी बाबा जी का, यहाँ पर सभी लोग निकलते हैं तो प्रसाद जरूर चढ़ा के जाते हैं। ये देखो यहाँ पर है ना ट्रैफिक भी बहुत लगता है, क्या है लोग साइड में गाड़ी लगाकर दर्शन करते हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े ट्रक रुके हैं, बहुत लंबा ट्रैफिक लगा है आगे तक। तो फिलहाल मैंने भी दर्शन कर लिए, चलते हैं। वो खड़ी है कार, नंदू डॉन की पार्टी चल रही है पीछे। नंदू क्या हो रहा है? पार्टी। यहाँ गौरी मैडम खेल रही है अपने गेम। गौरी कौन सा गेम है ये? रोपियो। रोपियो। भाई 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 गौरी मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं अपन? वृंदावन। क्या करेगी वहाँ पर? क्या करते हैं वहाँ पर? डांस करते हैं। कितनी दूर अभी पुष्कर भैया? मतलब 2 घंटे लगेंगे अभी, 1.5 घंटा। 2 घंटे लगेंगे अभी। तो फिलहाल गाइस अभी हम है ना हाईवे के साइड में रुके पेट्रोल पंप पर, HP का पेट्रोल पंप है। और गौरी यहाँ पे फोटोज क्लिक करवा रही है। अभी 1 घंटे का रास्ता और रह गया है, बस 1 घंटे का रह गया शायद। 1 घंटे में मथुरा पहुंच जाएंगे और बाकी बिहार जी के दर्शन आपको करवाएंगे, तो वीडियो बने रहना। बस पहुंचने वाले हैं बाकी बिहार जी। ये देखो प्रेम मंदिर आ गए, वीडियो देखो आप कितने लोग यहाँ पे भक्त लोग। ये देखो सामने प्रेम मंदिर है, दर्शन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, 8 बज चुके हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, गाड़ी बहुत कमानी पड़ी। प्रेम मंदिर कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। भीड़ देखो आप कितने सारे लोग हैं। ये देखो मतलब 8:15 बजे भी इतनी भीड़, कितना सुंदर लग रहा है। गौरी चलो आप रूम का टूर दे दो जरा, रूम कहाँ पे अपना? एक रूम तो गाइस ये बहुत मुश्किल से मिला है, ये लेट बात है। और लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इतना घूमे, इतना आज गाड़ी घूमी है मथुरा में, हर जगह ये रास्ते बंद कर दिए। ये होटल भी बहुत मुश्किल से मिला है, 2-4 और भी देखे थे बहुत गंदे थे, तो एक तो रूम ले लिया है। ये देखो आप यहाँ गुनगुन डॉन बैठी हैं। और तो गाइस दूसरा रूम ये है, इसमें बैग आ गए हैं, जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि इसमें देखो बाहर से व्यू, देखो इसका व्यू सही है, ग्राउंड सा एक रोड चल रही है। 9 बज चुके हैं, 9 से भी ज़्यादा ही हो गए, तो जल्दी से रेडी होते हैं, मैं कुर्ता पजामा डाल लेता हूँ जल्दी से और निकलते हैं फिर बाकी बिहारी जी के दर्शन करने। और गौरी कैसा लग रहा है आपको बिहारी जी की जा रहे हो आप दर्शन करने? बस कुछ ही दूरी पे आप, हाँ मेरा चश्मा ये देखो बंदर छीन लेगा और रबड़ भी खा गया। अब मैं मोबाइल संभाल के रखूँगा, बहुत धीरे धीरे वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो आपको अच्छे से नहीं मिलेगी। अब जल्दी से चलते हैं, हाँ मंदिर में चलते हैं, फिर आपको मंदिर के अंदर थोड़े से दर्शन कराएंगे क्योंकि बाहर मोबाइल चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल अभी यहाँ से प्रसाद लिया है और मंदिर के अंदर जा रहे हैं, बस यहीं से लेफ्ट टर्न को अंदर मंदिर है, तो प्रसाद लेके चलते हैं जल्दी से।
वही फिलहाल बिहारी जी के दर्शन हो गए हैं, प्रसाद ले लिया है और यहाँ पर बाहर अब यहाँ पर भी आरती होगी। सब लोग देखो धीरे धीरे बैठने लगे हैं, अभी पटलक जाएंगे बिहारी जी के, यहाँ आरती होगी। अभी फिलहाल बिहारी जी के दर्शन कर आ गए हम ब्रजवासी रेस्टोरेंट में और दर्शन अच्छे से हो गए, जैसा कि आपने देख लिया। थोड़ी बहुत क्लिप मैंने दिखाई है क्योंकि वीडियो बनाने नहीं देते और बहुत भीड़ थी, वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए, पर मैंने फिर भी थोड़ा बहुत क्लिप दिखा दी। और यहाँ पर गौरी के बर्थडे की तैयारी हो रही है, जो खाना आ गया है तो पेस्ट्री आ गई, केक नहीं लिया है क्योंकि केक हो जाता बड़ा, केक कोई खाता नहीं, इसलिए अब पेस्ट्री कट करेगी गौरी। गन्नू कैसे हुए दर्शन? गौरी कैसे हुए दर्शन? कैसे हुए नंदू दर्शन? बड़ी हुए तो खाना आ गया है। मामा मामी पुष्कर भैया सब यहीं बैठे हैं, पहले होगी पेस्ट्री कट। Happy birthday to you, happy birthday to you, Hari. पापा बस ये सही अच्छा आप सबको भी अच्छा पापा गौरी चलो चालू करो गौरी को पुष्कर खड़े हो पुष्कर भैया आप भी तो गाइज ये था आज का ब्लॉग, और आपको ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट में बता देना, लाइक और कमेंट शेयर तो आपको करना ही है। और ये रही हमारी गौरी जी, गौरी जी बर्थडे कैसा रहा? अपन कहाँ पर आए हैं? अपन कहाँ पर आए हैं? होटल। किसके पास आए थे? किससे मिलने आए थे? किससे? ये था आज का ब्लॉग, और कल भी यहाँ पर घूमेंगे, तो कल भी ब्लॉग बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं व्लॉग को एडिट करता हूँ क्योंकि 11 से ज़्यादा हो गए हैं, और ब्लॉग को एंड करके ब्लॉग को एंड करने से पहले आप गौरा का डांस देख लो। अब गौरा करेगा एक दो गाने पर डांस, ठीक है करेगा ना? तो चलो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। रात की यारी तूने कैसा घोटाला है, ये छत में सोया था बहनोई, धन्नो आजा जल्दी आजा, समझ के सो गई धन्नो, राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई तुझको, राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई छत पिया घंटोनी जाओ।